सोर्सेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की, मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पे पाया जाता है और इसका लोकेशन क्या है और यहाँ पे ये पैरोटिड डक्ट किस किस को पियर्स करता है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर ये पैरोटिड ग्लैंड है, अगर ये पैरोटिड ग्लैंड है और ये पैरोटिड डक्ट है, ओके, तो ये पैरोटिड डक्ट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के कुछ इस प्रकार से ये ओपन होती है, कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन के, ओके, मतलब सेकेंड मोलर टीथ के अपर सरफेस में। मतलब अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, पिंक से जो है ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर खुलती है, कहाँ खुलती है, सेकेंड मोलर टीथ में खुलती है, कहाँ खुलती है, ये हो गया इसका ओपनिंग, ये पैराटिड डक्ट है, पैराटॉइड डक्ट है, और इस पैराटिड डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो होती है सेकेंड अपर सरफेस ऑफ सेकेंड मोलर टीथ, है ना, सेकेंड मोलर टीथ के अपर सरफेस में, ओके, ये हो गया, ये क्या है, ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन, ये कहाँ खुलता है, ये खुलता है बकल कैविटी में, कहाँ खुलता है, ये खुलता है बकल कैविटी में, ठीक है। अब देखो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को पियर्स करता है, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मसल होती है, मसल कौन सी मसल होती है, बक्सिनेटर, ठीक है, यहाँ पे एक मसल होती है, कौन सी मसल होती है, बक्सिनेटर, ये बक्सिनेटर मसल क्या करता है, पियर्स करता है, ये क्या करता है, बक्सिनेटर मसल क्या करता है, ये पियर्स करता है, ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बक्सिनेटर मसल को पियर्स करेगा, ये कौन सी मसल है, ये है बक्सिनेटर, ओके, बक्सिनेटर मसल के साथ साथ ये किसको पियर्स करता है, बकोफेरेंजियल फेशिया को भी पियर्स करता है, कि किसको पियर्स करता है, बक्सिनेटर मसल के साथ साथ ये बकोफेरेंजियल फेशिया को, ग्रीन से जो बना रहे हैं वो क्या है, बकोफेरेंजियल फेशिया है, ग्रीन से जो बना रहे हैं वो क्या है, बकोफेरेंजियल फेशिया है, तो ये क्या करता है, बकोफेरेंजियल फेशिया के साथ साथ, मतलब बक्सिनेटर के साथ साथ बकोफेरेंजियल फेशिया, बकोफ्रेंजियल फेसिया, है ना, बकोफ्रेंजियल फेसिया को भी पियर्स करता है, और इसी के साइड पे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे फैट पैड, ओके, यहाँ पे बकल पैड ऑफ फैट, यहाँ पे क्या पाया जाता है, बकल पैड पाए जाते हैं किसके, फैट के, तो ये बकल पैड ऑफ फैट को भी क्या करता है, पियर्स करता है, सो दिस इज बकल पैड ऑफ फैट, ओके, और इसी के साइड में, इसी के साइड में होता है रेमस ऑफ मैंडिबल, अगर है ना, यहाँ पे ये लेटरल, नीचे वाला लेटरल साइड है, ऊपर वाला मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, यहाँ पे क्या होता है, रेमस होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेमस ऑफ मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल के दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी और एक रेमस, यहाँ पे रेमस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये तो अपने पास ये क्या हो गया, ये रेमस हो गया अपने पास, रेमस ऑफ मैंडिबल, ओके, और इस रैमस ऑफ मैंडिबल में दो इम्पोर्टेंट मसल का अटैचमेंट होता है, अगर इसके हम ऐसे नहीं बना, गलत बना दिए, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, एक होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा मैंडिबल, ये हो गया रैमस ऑफ मैंडिबल, और इस रैमस के एक होगा मीडियल साइड, एक होगा लेटरल साइड, तो लेटरल साइड में एक मसल का अटैचमेंट होता है, मतलब बक्सिनेटर का, सॉरी मैसेटर का अटैचमेंट होता है लेटरल साइड में, और मीडियल साइड में अटैचमेंट होता है मीडियल टेरिकॉइड का, ओके, तो यहाँ पे ये कौन सी है, ये है अपने पास मीडियल टेरिकॉइड, मीडियल टेरिकॉइड, और ये मसल है मैसेटर, ओके, तो ये हो गया, और ये कौन सी ग्लैंड है, ये तो भूल ही गए, पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया, कोर्स, है ना, ये क्या है, कोर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड,
और पैरोटिड डक्ट है ना, डक्ट की बात करें हमने, डक्ट ने किसको किसको पियर्स किया, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड पढ़ने से पहले पैरोटिड डक्ट करना बहुत ज़रूरी है।